आज मैंने मंगाया है मैनुअल चॉपर, क्योंकि मेरे पास नहीं था और मुझे बहुत टाइम लगता था सब्जियों को चॉप करने के लिए, तो आज मैंने इसको मंगाया है। तो ये फिलहाल अभी हाल डिलीवर्ड हुआ है, तो इसकी जो पैकिंग है, मैंने फिलहाल पैकिंग तो खोल ली है, तो काफी बड़े बॉक्स में आया है, जबकि ये है बहुत ही छोटा सा। तो मिनी चॉपर है, आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ भी है इसमें, तो ये मिनी चॉपर है और ये बहुत ही कंपनी का है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हैवल्स का है, तो हैवल्स कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि बहुत अच्छे ब्रांड माने जाते हैं, इसलिए मैंने इसको हैवल्स का ही लिया है, ताकि जब ये घर पर आए तो अच्छा निकले, मुझे रिटर्न ना करना पड़े। चलिए फिलहाल हम देखते हैं, मैंने अभी इसको चेक नहीं किया है, तो इसकी ये देखिए इतने बड़े गत्ते में ये छोटा सा बॉक्स आया है। बकाया इन्होंने इस तरह से कुछ कागज वगैरह रखे हुए हैं, तो चलिए इसको आज हम इसका रिव्यू करेंगे और आपको बिल्कुल ऑनेस्टली रिव्यू करेंगे, बताएंगे कि ये किस तरह वर्क करता है, और मैं भी इसको चेक करूंगी कि ये मुझे मेरे लिए यूजफुल है या नहीं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, खोल लेते हैं इसको। वाओ, देखने में तो काफी सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है और मिनी है। मिनी से मतलब यह है कि एक परफेक्ट है, अगर आपको दो तीन लोगों के हिसाब से चॉप करनी है प्याज वगैरह, तो उसके लिए परफेक्ट है। मुझे सही लगा अपने हिसाब से साइज, तो साइज की बात करूं तो काफी अच्छा है और ब्रांड भी बहुत अच्छा है। तो चलिए अब हम इसकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले तो हम इसको खोल करके देख लेते हैं। तो इसके हम नीचे वाले पार्ट की अगर बात करें, ये जो बॉल है, तो इस बॉल की क्वालिटी काफी अच्छी है, आप देख सकते हैं, और इसका जो कलर है ट्रांसपेरेंट है, तो ये बहुत ही अच्छा है। जब सब्जी हम चॉप करेंगे तो बढ़िया दिख जाएगी हमको कि कितनी चॉप हुई या नहीं, तो ये चीज तो मुझे बहुत अच्छी लगी, ये देखिए। और अगर हम इसकी ब्लेड की बात करें तो इसकी ब्लेड काफी शार्प है, क्योंकि जितनी अच्छी ब्लेड शार्प होगी उतनी ही हमारी वेजिटेबल्स चॉप अच्छी होंगी, तो काफी शार्प ब्लेड है और स्टेनलेस स्टील की है, तो ये भी बढ़िया चीज है और ये भी काफी मजबूत है। तो इसको हम यहाँ पर फिलहाल फिट करेंगे इस तरह से। और अब मैं इसके टॉप पार्ट की बात करूं तो ये काफी मजबूत है, आप देख सकते हो, छूने से ही पता चल रहा है, इसकी आवाज से आप समझ सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खोखला टाइप का है, काफी मजबूत है ये। और इसमें इस तरह से एक होल्डर दिया रहता है जिसको आपको खोलना है, और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेटल का एक होल्स दिया रहता है, किनारी लगी हुई है। और अगर ये डोरी की अगर मैं बात करूं तो ये डोरी भी काफी मजबूत है, पहले मुझे लग रहा था जब मैंने इसको ऑनलाइन चेक किया था तो इसकी डोरी बहुत पतली होगी, अगर हम इसको दो चार बार ही खींचेंगे तो ये टूट ना जाए, लेकिन नहीं, आप देख सकते हैं काफी मजबूत इसकी डोरी है, तो मुझे ये भी बहुत अच्छी चीज लगी। तो चलिए आज हम इसका रिव्यू करेंगे, और यानी कि रिव्यू तो हम कर चुके हैं, तो अब हम इसको चेक करके आपको बताते हैं कि ये किस तरह से अपना वर्क कर रहा है। पहले तो मैं आपको इसमें चॉप करके बताने वाली हूँ अनियन, क्योंकि अनियन तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है, चाहे कोई नाश्ता बनाए या सब्जी, तो अनियन की जरूरत होती है। तो यहाँ पर फिलहाल बहुत ज्यादा बड़े साइज के अनियन नहीं है, तो मैं इसके दो पीस कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं भी इसको पहली बार चॉप करने जा रही हूँ, तो मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है, बल्कि मैं चार कर लेती हूँ इस तरह से। तो आप इसी हिसाब से पहली बार करें तो फिर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने पीस कट करने हैं या नहीं। तो फिलहाल मैं चार चार कर लेती हूँ, अगर बड़े साइज की है तो थोड़ा सा आप और ज्यादा कर लें। ये देखिए मैंने चार अनियन ले ली है, तो इसकी कैपेसिटी अभी थोड़ा और ज्यादा है, तो आप और भी ज्यादा इसमें डाल सकते हो। चलिए अब आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट है इसको आपको यहाँ पर फिट करना है, ये देखिए इस तरह से ये फिट हो गया है। और अब आपको क्या करना है, इस तरह से इसको पकड़ना है हल्के से और इसको पुश। वाओ, तो ये खींचने में काफी इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि काफी बाहर से दिख रही है ट्रांसपेरेंट होने की वजह से, तो फिलहाल कुछ इस तरह से चॉप हुई है, लेकिन अभी मैं इसको और भी ज्यादा बारीक करने वाली हूँ। तो फिर से आप देख सकते हैं इसकी जो ब्लेड है काफी शार्प, जब मैं ब्लेड लगा रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया और इससे मेरी उंगली थोड़ी कट गई, तो आप केयरफुली करें। तो चलिए इसको हम फिर से खींचते हैं, तो मुझे इतनी प्याज करने में करीब एक मिनट लग गया है खींचते खींचते, तो टोटल मैंने नहीं है तो 12 से 14 बार आसानी से इसको खींचा है, तो इतना टाइम आपको लग जाएगा इसलिए तो, लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम काटते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और मेहनत भी लगती है, आंसू भी आते हैं, तो मेरे आंसू भी नहीं आए और बहुत ही आसानी से। वाओ, बहुत ही अच्छी प्याज चॉप हुई है, आप देख सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई प्याज। तो चलिए अब हम अगली सब्जी देख लेते हैं। तो इसको मैंने क्लीन कर लिया है, बहुत ही ईजी क्लीन हो जाता है, पहले आपको ब्लेड लगानी है, फिर आपको
इसमें मूली कट करनी है, तो मैं आपको मूली काट करके दिखा रही हूँ। तो आपको इस तरह से फिट करना है, और ये जो आप हैंडल देख रहे हैं इसको आपको ऊपर की तरफ खींचना है, यानी कि हमने सीधे खींच रही थी उतना अच्छा नहीं आ रहा था, ऊपर की तरफ आप खींचे तो इससे बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए मैं आपको मूली चॉप करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चॉप हो रही है, तो आप इसको देख भी सकते हैं साथ साथ ट्रांसपेरेंट होने की वजह से। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें। तो आपको जितनी भी ज़्यादा पसंद हो आप ऊपर से देख लीजिए या खोल करके चेक कर लीजिए। तो ये देखिए मूली भी हमारी बहुत अच्छी चॉप हो गई। अगर आप बहुत बारीक चाहते हैं तो और बारीक कर सकते हैं। तो मूली के पराठा बनाना हो या सलाद बनानी हो तो उसके लिए बहुत बढ़िया है ये। तो हमने दो चीज़ें फ़िलहाल टेस्ट करके देखी हैं, तो क्योंकि मूली थोड़ी सख्त होती है इसलिए मैंने मूली ही देखी है। फ़िलहाल गाजर भी आप इसी तरीके से कर सकते हो इसमें। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। तो चलिए अब मैं आपको अगली चीज़ चॉप करके दिखा देती हूँ। अब मैं यहाँ पर डालूँगी धनिया। तो धनिया की जगह आप पालक भी या जो भी ग्रीन पत्तेदार सब्जी आती है वो भी आप इसे चॉप कर सकते हैं। तो फिलहाल धनिया है, धनिया से मैं चॉप करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप इसको उठा करके इसकी ब्लेड लगा लें, फिर आप ऊपर से धनिया डालें। तो चलिए अब हम इसको धनिया को भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से चॉप होती है। तो मैंने अभी 3-4 बार चलाया है और धनिया कुछ इस तरह से चॉप हुई है, लेकिन मैं अभी इसको और बारीक करने की सोच रही हूँ क्योंकि कई सब्जियाँ हमको और बारीक करनी होती हैं पत्तेदार सब्जियाँ। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और चला लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस चॉप हुई है। तो धनिया भी काफ़ी अच्छी इसकी कटिंग हुई है, तो ये भी मुझे सही लगा, पत्तेदार सब्जियों के लिए भी अच्छा है ये। तो मुझे तो खैर बहुत मज़ा आ रहा है इसको काम करके, तो ये भी चीज़ अच्छी है। तो चलिए अब हम अगली चीज़ भी इससे चेक कर लेते हैं। और अब हम इसमें ट्राई करने वाले हैं टोमेटो, यानी कि टमाटर, जो कि सब्जी के लिए हमें आए दिन लगता रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ब्लेड लगाएंगे। तो अब हम टमाटर के कुछ पीसेस कट कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस तरह से काट लेती हूँ टमाटर। तो सब्जी में ग्रेवी के लिए भी टमाटर बहुत लगते हैं, तो देखते हैं टमाटर का क्या हाल होता है, क्योंकि टमाटर थोड़ी सॉफ्ट होते हैं और उसमें रस भी बहुत होता है अंदर। तो मैं यहाँ पर 2 टमाटर ले रही हूँ बड़े साइज़ के। और चलिए तब हम इसको चॉप करके देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि टमाटर प्याज की तरह चॉप नहीं होगा क्योंकि टमाटर में रस होने की वजह से इसकी प्यूरी बन जाएगी, बट देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से चॉप हुआ है, लेकिन ये परफेक्ट है, सब्जी की ग्रेवी के लिए सही है। वैसे तो अगर आप एकदम टाइट टमाटर लेंगे, एकदम कड़ा, तो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा रस नहीं होता है तो चॉप हो जाए अच्छे से। बकाया इस तरह से चॉप हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल पास से, तो ये सब्जी के लिए परफेक्ट है। तो ये देखिए इस तरह से टमाटर चॉप हुआ है। और अब हमने काफ़ी सब्जियां आपको दिखा दी हैं, तो इसी तरह से आप और भी सब्जियां चॉप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च भी चॉप करके देखी है, तो शिमला मिर्च भी काफ़ी अच्छी चॉप हुई है। तो इसकी जो ब्लेड्स हैं काफ़ी शार्प हैं, तो ये अच्छी बात है, बट केयरफुल रहने की बात है, अगर लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप थोड़ा जल्दबाजी में ना करके हिसाब से ही काम करें। लीजिए हमने शिमला मिर्च भी कट कर ली है। तो मैं आपको आप यहाँ पर मैं एक टेस्ट और कर रही हूँ, मैं सिर्फ 2 कली डाल रही हूँ लहसुन की। तो देखते हैं अगर बहुत कम मात्रा में लेते हैं तो चॉप होते हैं या नहीं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमने लहसुन की कली सिर्फ 2 ली थी, तो वो भी बहुत अच्छे से चॉप हो गई हैं। तो इसको हमने हर तरीके से टेस्टिंग कर लिया है। तो इसके अलावा आप गोभी, शिमला मिर्च, लहसुन, अदरक, जो भी आप करना चाहें सब चीज़ आसानी से चॉप हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा रिव्यू और मैंने इसको चेक करके बताया है मिनी चॉपर के बारे में। तो अब मैं इसके प्राइस के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि मैंने अभी नहीं बताया। तो मैंने इसको बहुत ही सस्ता मंगाया है, इसका प्राइस 320 रुपये केवल। तो इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, मुझे बहुत सही लगा। और ये बहुत ही बढ़िया ब्रांड हैवल्स कंपनी, आप जान सकते हैं कितनी बढ़िया कंपनी है। तो मैंने इसके सारे रिव्यू पढ़े,
तो जिन लोगों ने मंगाया उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचती हूँ कि एक बार चीज़ लेनी है तो थोड़ा महंगी आ जाए लेकिन अच्छी आना चाहिए। मिलने को तो ये आपको 200 रुपए की रेंज में भी मिल जाएगा लेकिन ये बेस्ट है। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लिखा हुआ है, 695 लिखा हुआ है। तो इस समय थोड़ा ऑफर चल रहा था तो मुझे सस्ता मिल गया। वैसे आपको 300 रुपए भी मिल जाएगा क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इसको देखा था तो 320 रुपए दे रहे थे, लेकिन 4-5 दिन पहले मैंने देखा तो उस समय ऑफर चल रहा था तो 220 रुपए का मुझे ये मिल गया था। तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप इसको वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो आप मंगा भी सकते हैं। हाँ, बस आपको याद रखने वाली बात यह है कि इसकी ब्लेड बहुत शार्प होती है, जैसा कि मुझे लग गया है, अभी खून निकल आया था, मैंने आपको दिखाया था। तो इसको क्लीन हाथों से मत करें, इस तरह से बस टैप के नीचे, नल के नीचे इस तरह से लगा दीजिए, ये वॉश हो जाएगी। तो इसमें कोशिश बिल्कुल ना करें इसको क्लीन करने की, ये बहुत ही ज्यादा शार्प है, आप देख सकते हो। तो शार्प है तभी हमारी वेजिटेबल्स अच्छे से चॉप होंगी, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन आपको इसमें सेफ्टी रखने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।